नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि रेस कंडीशन क्या कैसे काम करती है और क्या होता है उसका, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, कभी आपने देखा होगा, गो रन रेस मेन डॉट गो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, एक चीज़ लिखते हैं, जैसे कि एक फॉर लूप है हमारे पास, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100,000 वी कैन टेक, ठीक है। तो और आई इज प्लस प्लस सिंपली। अब हमें क्या करना है, मैं आता हूँ यहाँ पे, वेर काउंट लिखता हूँ एज ए इंट, ठीक है ना। और इस काउंट को मैं प्लस करता हूँ सिंपली, प्लस प्लस, और एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन करते हैं इसको, एंड प्रिंट करके देखते हैं कि काउंट में कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसे हम फिलहाल रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 1000 आ गया, क्योंकि 1000 टाइम रन हो रहा है। अब इसे हम गो रूटीन के साथ लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम गो फंक एंड इसके अंदर हम लिखे काउंट, ठीक है ना। तो अब कितनी बार आएगा, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्यों, ये तो आपको भी पता है। और चल गया, देखिए 1135, 162, 130, क्यों ऐसा हो रहा है, 1000 क्यों नहीं आ रहा है, सोचो। क्योंकि गो रूटीन क्या कर रहा है कि ये 1 बाय 1 नहीं रन हो रहा है, ये एट अ टाइम सब रन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ये मैनेजमेंट करता है गो रूटीन, नो डाउट, बट ये वैल्यू को पता नहीं चलता है कि कौन सा पैरेलली चल रहा है या नहीं चल रहा है या मिस हो रहा है कुछ। अगर मुझे जानना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली रेस एंड इंटर। देखिए ये एरर्स मुझे आ गए, इसे कहते हैं रेस कंडीशन, ठीक है ना, कि 197 काउंट ही हुआ, नेक्स्ट टाइम कितना हुआ 193। तो इस काउंट को हमें एग्जैक्ट लाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक एग्जांपल देखिए, कि हमारे घर में कोई आया है, ठीक है, आज आया, उसने खाना खाया और वो कल चला गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आज दो जन आए, लेकिन एक जन आज ही चला गया, लेकिन एक जन रुक गया। जैसे ही एक जन रुका तो वो काउंट हट जा रहा है, क्यों, क्योंकि एवरी डे कोई ना कोई तो आ रहा है, इसके वजह से, मतलब उसको खाना नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए एक ही जन का है व्यवस्था, दूसरे जन का नहीं है। लेकिन जो जिसने खाया वो चला गया, जिसने नहीं खाया वो रुका है, तो मिस हो गया इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं म्यूटेक्स को। म्यूटेक्स क्या करता है कि लॉक एंड अनलॉक, मतलब जिसका खाना है उसी को ही मिलेगा, तो उससे होगा क्या कि कोई और खाके नहीं चला जाएगा। उस वैल्यू को हम लॉक करके चेक करेंगे और वो कंप्लीट होने के बाद ही उसको अनलॉक अनलॉक करेंगे, तो ही उसका पूरा यूज़ मिलेगा हमें। तो यहाँ पे आके हम एक काम करते हैं, सिंक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे देते हैं वैर एम यू एंड सिंक डॉट म्यूटेक्स, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पे एम यू लिखता हूँ डॉट लॉक, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ एम यू डॉट अन लॉक, सिंपल। अब बताइए काउंट कितना आएगा, अब एग्जैक्ट काउंट आएगा और वो भी विदाउट एरर। देखिए काउंट कितना आया, 1000 एग्जैक्ट, इसने हमें बता दिया पूरा का पूरा कि इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट काउंट मैंने आपको दे दिया। अगर मैं रेस कंडीशन भी हटा दूँ तो देखिए कितना आ रहा है। अब सिंपली और एक चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, कि एक वायर लेता हूँ, डब्ल्यू जी
sink dot wet group group ओके एंड यहाँ पे लेते हैं हम डब्ल्यू जी डॉट एड वन, यहाँ पे अंदर में लिखता हूँ डब्ल्यू जी डॉट डन को और इसे लिखते हैं हम डिफर के साथ डिफर, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे डब्ल्यू जी डॉट वेट, बस अब देखते हैं कि क्या काउंट आ रहा है, 1000, परफेक्ट काउंट आ गया, क्यों, क्योंकि गो रूटीन ऑलवेज वर्क करता है सिंक से, मतलब वेट ग्रुप से, तो इसकी वजह से अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस विदाउट एरर 1000 आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि उसको रेस कंडीशन को हमने क्या करा कि लॉक करा और उसको बोला कि ये पहले वैल्यू को पूरा कंप्लीट कर उसके बाद ही उसे अनलॉक कर। अगर मैं ये नहीं लिखता, देखिए वापस मैं बताना चाहता हूँ कि हम ये नहीं लिखते तो इसका काउंट अलग आता है, देखिए ये काउंट है इसका 192 और ये विद एरर के साथ दे रहा है काउंट हमें, है ना। अगर इसे हम ओवरकम करना चाहते हैं तो हम लॉकिंग अनलॉकिंग यूज़ कर सकते हैं सिंक पैकेज के साथ, तो इसी को ही कहते हैं हम रेस कंडीशन जो हमेशा आती है गो रूटीन के साथ, इसके लिए इससे हमें लॉक अनलॉक करना ही पड़ेगा, वो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार, हमारी रिक्वायरमेंट 1000 गो रूटीन एट अ टाइम रन करनी है तो, अदरवाइज नॉट एन इशू, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।